हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ करेंट अफेयर जो आपको आने वाले एग्जाम जैसे रेलवे, लोको पायलट, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, SSC, LDC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीध होगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो रेड कलर का आइकन दिया हुआ है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरा नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों मैं हर रोज़ इस तरह का नए वीडियो अपलोड करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदा साबित होगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन में कितने प्रतिशत इजाफे वाले बिल को मंजूरी दे दी है। दोस्तों 200% इजाफे वाले बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का वेतन बढ़ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन हो गया है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन हो गया है 2,80,000 रुपया तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन हो गया है 2,50,000 यानी 2,50,000 रुपया तथा हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन हो गया है 2,25,000 यानी 2,25,000 रुपया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर, हाल ही में डोर स्टेप डिलीवरी योजना किस राज्य में शुरू की गई है। दिल्ली में शुरू की गई है दोस्तों डोर स्टेप डिलीवरी योजना। इस योजना को शुरू करने में आम आदमी पार्टी विरोध कर रही थी लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इन योजना को हरी झंडी दिखाई और शुरू की। आइए अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यौन उत्पीड़न के खिलाफ टाइम्स ऑफ अभियान किस देश में शुरू किया गया है। यौन उत्पीड़न के खिलाफ टाइम्स ऑफ अभियान अमेरिका में शुरू किया है दोस्तों। आइए अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के रूप में ओम प्रकाश सिंह जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों ओम प्रकाश सिंह इससे पहले CISF के महानिदेशक थे। पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद होता है महानिदेशक जिसे DGP भी कहते हैं। आइए अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही ब्लैक कैट कमांडो फोर्स NSG के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सुदीप नकटकिया को। NSG बोले तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल के रूप में सुदीप नकटकिया जी को नियुक्त किया गया है। आइए अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किसे किया गया है। दोस्तों मुबारक अली को। शौर्य चक्र जो है इंडियन आर्मी से संबंधित है जो सेना को दिया जाता है और शौर्य चक्र किसे दिया गया, मुबारक अली को दिया गया है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में मुहाफिज नामक योजना शुरू की गई है। मुहाफिज नामक योजना जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। दोस्तों मुहाफिज एक उर्दू वर्ड है जिसका अर्थ होता है संरक्षक, रक्षक या अभिभावक। आइए अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में U19 विश्व कप टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा भारतीय कप्तान कौन है। तो पृथ्वी शाह है जो अभी हाल ही में हमारे देश को U19 विश्व कप दिलाए। पृथ्वी शाह जो है मुंबई के हैं। आइए अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लाइबेरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जॉर्ज बिया को नियुक्त किया गया है। दोस्तों लाइबेरिया के राष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज बिया को नियुक्त किया गया है। जॉर्ज बिया इससे पहले एक फुटबॉल के खिलाड़ी थे। आइए अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 200 विकेट लेने वाले विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गया है। तो दोस्तों झूलन गोस्वामी बन गई है। यह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में 200 विकेट लेने वाले विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है क्रिकेट में और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान है मिताली राज, आप सब जानते हैं। आइए अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हाल ही में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से भारतीय मूल के किस अमेरिकी अभिनेता और हास्य कलाकार को सम्मानित किया गया है। दोस्तों अजीज अंसारी को सम्मानित किया गया है। अजीज अंसारी भारतीय मूल के अमेरिकी अभिनेता है जिन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यसी डोंडन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यसी डोंडन को दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। हाल ही में फेडरेशन कप ऑल इंडिया कैरम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो काजल कुमारी जीती है। काजल कुमारी ने फेडरेशन कप ऑल इंडिया कैरम चैंपियनशिप का खिताब जीती है। काजल कुमारी बिहार की है दोस्तों। आइए अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किस राज्य में हाई रिस्क प्रेगनेंसी पोर्टल शुरू किया गया है? तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी पोर्टल हरियाणा में शुरू किया गया है दोस्तों। इस पोर्टल को नीति आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिलकर शुरू किया है। आइए अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस टीएमसी संसद को 2016 का उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दिनेश त्रिवेदी जी को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह एक सांसद है। आइए अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर किस देश में है? चीन में है दोस्तों, यह हाल ही फिलहाल में बनाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर है जो चीन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। हाल में ही रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? विदर्भ जीता है दोस्तों, विदर्भ महाराष्ट्र में पड़ता है, एक छोटा सा प्रांत है। आइए अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल में ही किस राज्य में मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना शुरू की गई है? उड़ीसा में शुरू की गई है दोस्तों। आइए अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा छात्रों के लिए लिखी गई किताब का नाम क्या है? एग्जाम वॉरियर से दोस्तों छात्रों के लिए प्रधानमंत्री ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स। आइए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में फाइबर ग्रिड परियोजना शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है दोस्तों फाइबर ग्रिड परियोजना। दोस्तों फाइबर ग्रिड परियोजना का एक लक्ष्य है कि प्रत्येक घर में, आंध्र प्रदेश के प्रत्येक घर में 149 रुपये प्रति माह की दर से इंटरनेट, टेलीविज़न और टेलीफोन जैसी सेवाएँ मुहैया कराना है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।